तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों धीरे धीरे कब हम 1 से 60 हज़ार हो गए पता ही नहीं चला। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे आपने हमारा आज का टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा, इसी के चलते अब आप दिल थाम लीजिएगा और सुनिएगा ये 7 कहानियां। मगर मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑल पे कर लीजिए। और साथ ही अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज़ दूं, तो आप मुझे कहानियों के बाद इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर, मैं आपको वहीं मिलूँगा। तो दोस्तों बिना देरी की जल्दी से अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों मैं आज आपको उस कहानी के बारे में बताना चाहती हूँ जो खुद मेरे साथ घटी है। दोस्तों मेरा नाम लवी है, मैं मुंबई की रहने वाली हूँ और मैं पेशे से एक कंपनी में नौकरी करती हूँ, लेकिन मेरा ऑफिस मेरे घर से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है। मेरा रोज का आना जाना था। एक दिन की बात है, मैं अपने ऑफिस से आ रही थी। उस दिन मैंने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी और ठीक उसी दिन मेरा ड्राइवर वो भी 10 दिन की छुट्टी के लिए अपने गांव गया था। तो मैंने सोचा कि अब तो मुझे ऑटो से ही घर जाना पड़ेगा। मैंने अपने ऑफिस के बाहर से ही ऑटो ले लिया। ऑटो वाला भी मेरी जान पहचान का ही था। उस ऑटो में जाकर मैं तुरंत बैठ गई। उसके बाद ऑटो कुछ ही दूर चला होगा, लगभग 5 किलोमीटर। इसके बाद वहां पर हाईवे वाली रोड शुरू हो गई थी जो कि उस वक्त बिल्कुल खाली थी। पता नहीं क्यों पर मुझे अचानक उल्टी करने का मन हुआ। मैंने उस ऑटो वाले को कहा कि आप ऑटो रोक दो, मुझे उल्टी आ रही है। ऑटो वाले ने तुरंत साइड में रोक दिया था। मैं ऑटो से उतरी और मैंने रोड के किनारे पर जाकर उल्टी कर दी। ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ था। मैंने चुपचाप पानी से मुंह धोया और उसी ऑटो में जाकर बैठ गई। फिर कुछ दूर आगे निकल जाने के बाद मेरी आंखें बंद होने लगी और मैं कब सो गई मुझे पता ही नहीं चला। इसके बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मैं अपने घर के नीचे पहुंच चुकी थी। इसके बाद मैं ऑटो से उतरकर अपने घर जाने लगी थी। वैसे मैं फर्स्ट फ्लोर पर ही रहती थी, लेकिन जब मैं घर पहुंची तो मुझे इतनी ज्यादा नींद लग रही थी कि मैंने अपनी साड़ी भी नहीं बदली। उस वक्त मेरा दिल बस ये कह रहा था कि मुझे तो नींद ना आने की बीमारी है। पता नहीं पर अचानक मुझे इतनी ज्यादा नींद क्यों आ रही थी। मैंने सोचा क्यों ना टेलीविजन देख लिया जाए, उसे देखकर मेरी नींद गायब हो जाएगी। तब मैंने टेलीविजन खोला, मैं फिल्म देखने लगी। देखते देखते मैं कब सो गई मुझे मालूम ही नहीं पड़ा। और ठीक जैसे ही मैं गहरी नींद में सो रही थी तो मैंने एक सपना देखा कि मैं अपने घर के किचन में हूँ और मैंने गैस ऑन की थी कि तभी मुझे पैरों के नीचे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मैं यही देखने के लिए अपने पैर के आसपास देखा तो मैंने देखा कि एक बहुत ही भयानक दिखने वाली औरत खड़ी थी जिसने एकदम मेरे दोनों पैरों को पकड़ लिए थे। मैं ये सब देखकर बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैं अपने पैर छुड़ाने की भी कोशिश कर रही थी लेकिन छुड़ा नहीं पा रही थी। वो दिखने में काफ़ी छोटी थी पर उसमें ताकत कई गुना ज़्यादा थी। इसके बाद उसने मुझे ऊपर उठाकर रख दिया। यकीन मानिए दोस्तों ऊपर पंखा भी चल रहा था। धीरे धीरे उसने मुझे ऊपर हवा में लटका दिया था। ऐसा करने से उस चलते हुए पंखे से मेरा सर टकरा गया और मेरा गला शरीर से अलग हो गया था। मैं घबराकर अचानक से उठ गई थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ तो है इस घर में। उस समय भी बहुत हो गया था और मैं बिल्कुल अकेली थी। मैं ये सोच रही थी कि अब मैं यहाँ नहीं सोऊंगी। मैं काफ़ी देर तक तो जगी रही, न जाने कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। इसके बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मानो कोई मेरे गले पर हाथ लगा रहा हो। मुझे ठीक नींद में मालूम चल रहा था। मैं कोशिश भी कर रही थी चिल्लाने की पर गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी, जैसे किसी ने मेरी आवाज़ को बंद कर दिया हो। इसके बाद मैं नींद से उठने की कोशिश कर रही थी लेकिन उठ भी नहीं पा रही थी।
मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो जो कोई भी है वो मेरे ऊपर आकर बैठ गई है। मैं मन ही मन भगवान का नाम लेने लगी कि तभी अचानक मेरे कानों में अजान की आवाज सुनाई दे रही थी। साथ ही जब तक अजान की आवाज सुनाई दे रही थी तब तक वो मेरा गला दबाती जा रही थी, पर जैसे ही अजान बंद हुई तो उसने अपना हाथ मेरे गले से हटा दिया। इसके बाद मैं उठकर तुरंत बैठ गई। मैं काफी डरी हुई थी। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो सुबह के 5 बज रहे थे। यकीन मानिए मुझसे उस घर में रहा नहीं जा रहा था, तो मैं बाहर की तरफ चली गई। बाहर जाकर थोड़ा डर कम सा लग रहा था। इसके बाद जब मैं वापस आई तो मैंने देखा कि 8 बज चुके थे। मैंने ज्यादा देर ना करते हुए अपने ऑफिस जाने की तैयारी शुरू कर दी और करीबन 9:30 बजे मैं ऑफिस के लिए निकल चुकी थी। ठीक उसी दिन जब मैं उस रास्ते से गुजर रही थी तो मैंने वहां पर गाड़ी रोकी जिस जगह मैंने उल्टियां की थी। मैंने ठीक उसी जगह पर जाकर माफी मांगी। इसके बाद मैं काली माता के मंदिर भी गई। दोस्तों आप शायद यकीन करें या ना करें, तब जाकर ही ये सब कुछ ठीक हो पाया। दोस्तों ऐसा होता है, कई बार तो मैंने अपने पिताजी से भी पूछा है तो उन्होंने भी मुझे यही कहा है कि अक्सर हमें ऐसा लगता है कि हमारा कोई गला दबा रहा हो। हम कोशिश करते हैं लेकिन कुछ नहीं कर पाते और अचानक फिर हमारी नींद खुल जाती है। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक हम चलते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ। दोस्तों ये कहानी शशांक नामक व्यक्ति की है जो कि वाराणसी जिले के राज तालाब नाम की जगह पर रहता है। हालांकि अब वो गुजरात के मिलाड़ में रहता है और इस वक्त वो फार्मेसी लिमिटेड कंपनी में एक अच्छी पोस्ट पर नौकरी करता है। लेकिन जब जब वो भूतों की कहानियां सुनता है तब तब उसे अपने साथ हुए बचपन का वो मनहूस समय याद आ जाता है। तो ठीक इससे आगे की कहानी मैं आपको शशांक की आवाज में ही सुनाऊंगा। दोस्तों ये बात तब की है जब मैं 6 क्लास में पढ़ता था। उस वक्त ठंड का समय था, सभी बच्चों को स्कूल की तरफ से ठंड की छुट्टियां पड़ी हुई थी। उन दिनों ठंड बहुत ज्यादा थी इसीलिए तकरीबन 1.5 महीने की छुट्टियां थी। दोस्तों कुछ दिनों तक तो मैं घर पर ही रहा लेकिन इसके बाद मुझे घर पर रहना अच्छा नहीं लगता था। मैं काफी बोर हो जाता था। मेरे यहां से मेरी मौसी का घर कुछ 15 किलोमीटर की दूरी पर था जो कि बदोही के पास कछुआ नामक जगह पर मेरी मौसी रहती थी। वहां पर मेरी मौसी के 2 बेटे थे जिनके साथ मेरा बहुत अच्छा रिश्ता था, तो ठीक उनके साथ मेरा अच्छा वक्त गुजर सकता था। हम तीनों आपस में हंसी मजाक और इधर उधर की बातें किया करते थे। मैं ये सब सोच ही रहा था कि मैंने अपनी माँ से पूछा कि मैं मौसी के घर जाना चाहता हूँ। माँ ने हाँ कह दिया। इसके बाद मैं बस स्टैंड पर जाकर अपनी बस पकड़कर सीधा मौसी के घर निकल गया। वहाँ मुझे रहते हुए 3 या 4 दिन ही हो चुके थे और ठीक उन दिनों ही हमारे बगल में रहने वाले चाचा जी आए और वो मुझसे आकर बातें करने लगे। बातों ही बातों में उन्होंने कहा कि बेटा तुम आर्मी में जाने की तैयारी करो, वैसे भी छुट्टियों के दिन है, तुम रोज दौड़ने जाया करो, अगर अभी से तुम प्रैक्टिस करोगे तभी तुम आगे जाकर आर्मी में भर्ती हो पाओगे, इससे तुम्हारा करियर भी बन जाएगा। दोस्तों उनकी बातें सुनने के बाद मैंने अगले दिन से ही दौड़ना शुरू कर दिया। वैसे मेरी मौसी के 2 घर हैं, एक तो गांव में और दूसरा लगभग गांव से 1 किलोमीटर दूर खेतों के बीच जहां पर उनका बोरवेल भी था। वहां से ही लोगों के खेतों में पानी जाता था लेकिन वहां पर बहुत ही कम घर थे, बस चारों तरफ खेत ही खेत ज्यादा दिखाई देते थे। वहां पर मेरे मौसा जी के बड़े भाई और उनकी पत्नी और उनके माता पिता रहते थे। उनका खाना पीना सब वहीं पर होता था। वो लोग जब कुछ काम होता तभी गांव जाते थे। वैसे मैं तो रोज सुबह 5 बजे मौसी के लड़कों को लेकर निकल जाया करता था। मौसी के दूसरे खेत वाले घर तक जाने में एक सुनसान रास्ता पड़ता था। हम उसी सुनसान रास्ते से मौसी के दूसरे खेत वाले घर तक पहुंचने के बाद चारों तरफ के चक्कर लगाया करते थे। लेकिन मेरी मौसी के लड़के मेरे साथ ज्यादा दिन नहीं आए। उन दोनों ने ये कहा कि आप ही जाओ, हमें नींद आ रही है, हम लोग सो रहे हैं। लेकिन मैं उठ चुका था
और मैं करता तो क्या, मुझे नींद तो नहीं आ रही थी, इसीलिए मैं अकेले ही जाने लगा। लेकिन दोस्तों सच कहूँ तो बस अब वो दिन आ ही गया था जिसके बारे में मैं अपने सपने में भी नहीं सोचता। हालांकि उस दिन तो मैं अकेले निकल पड़ा और मैं ज़्यादा दूर ना जाकर वापस जल्दी घर आ गया था, लेकिन एक दिन की बात है, मेरी नींद अचानक रात को खुली और मेरी नज़र दीवार पर टंगी घड़ी पर जा पड़ी। उस वक्त रात के 1:30 बज रहे थे, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे सुबह के 5 बज गए हैं। दोस्तों ऐसा सभी के साथ होता है कि हम जब अचानक से उठकर घड़ी की तरफ देखते हैं तो हमें सही समय नहीं दिखाई देता, यह हमारी ही नज़र का हेर फेर होता है। दोस्तों अगर आप सभी के साथ भी कभी ऐसा हुआ हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। खैर दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि मुझे लगा सुबह के 5 बज रहे हैं और ठीक मेरे दौड़ने का समय हो गया है। मैं अपने दौड़ने वाले जूते पहनकर दौड़ने चला गया। मैंने देखा कि बाहर बहुत ही कोहरा लगा हुआ था और ठंड भी थी। बात 21 दिसंबर 2007 की थी। मैं कुछ ही दूरी पर गया था, उसके बाद एक सुनसान सी जगह पर कुछ टूटा फूटा सा घर था। उस घर की हालत देखकर लग रहा था कि वहां बरसों से कोई नहीं गया होगा और वो घर सड़क से कुछ ही दूरी पर था। दोस्तों फिर मैंने देखा कि थोड़ी दूरी पर किसी की परछाई दिखी। वो मुझसे काफी दूर थी, इसीलिए शायद वो मुझे साफ से नहीं दिखाई थी। लेकिन जब मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा, मैं देखना चाहता था कि आखिर वहां पर कौन है। तब मुझे थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगा। वहां पर एक लंबी सी औरत खड़ी थी, उसने काली साड़ी पहनी हुई थी, उसके बाल भी खुले हुए थे और वो मेरी ही तरफ देख रही थी। उसे देखकर मैं काफी घबरा गया था। यकीन मानिए उस समय मैं हिल भी नहीं पा रहा था, मेरे पैर जैसे जम गए हो। उसकी लंबाई तकरीबन 7 से 8 फीट होगी। मैंने कोशिश की वहां से भागने की, पर डर के कारण हाथ पैर जम गए थे। बहुत कोशिशों के बाद मैं वहां से जैसे तैसे भागा और सीधा रोड पर पहुंच गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा, मैंने देखा कि दो औरतें ठीक मेरे पीछे पीछे रोड तक आ गई थी। ये सब देखकर तो मैं पहले से ज्यादा घबरा गया था। यकीन मानिए इसके बाद मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस दौड़ता भागता खेतों तक पहुंच गया। मैं बेसुध बदहवास भागे चला जा रहा था कि अचानक वो दोनों मेरे सामने आ गई और मुझे देखकर हंसने लगी। उनका चेहरा मैं बयां नहीं कर सकता, बस ये लग रहा था कि अगर वो किसी को भी दिख जाए तो उसकी मौत निश्चित है। उनका चेहरा, बाल, दांत, नाखून, सब कुछ किसी फिल्मों की तरह लग रहा था। यही नहीं, जैसा कि सब कहते हैं ठीक उसी तरह उसके पैर भी उल्टे थे। ये सब देखकर मैं चिल्लाने लगा कि कोई है, मुझे बचाओ इस औरत से। पर उस रात मेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था, क्योंकि उस वक्त सब सो रहे थे। मैंने हिम्मत करी और मैं पहले से भी ज्यादा तेज दौड़ने लगा, लेकिन इस बार वो मेरे पहले से भी ज्यादा पास आ गई थी। उन्हें देखकर मैं घबरा गया था। भागते भागते मैं एक पेड़ के पास जाकर बेहोश होकर नीचे गिर गया था। दोस्तों इसके बाद जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को मौसी के दूसरे वाले घर में पाया। मैं एकदम से खड़ा उठा और मैंने घड़ी की तरफ देखा। उस वक्त सुबह के 8 बज रहे थे। इसके बाद मेरे मौसा जी मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम इतनी रात को वहां सड़क पर क्या कर रहे थे। मैंने उनसे कहा कि मैं तो सुबह के 5 बजे दौड़ने गया था, लेकिन मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। मैंने अपने साथ घटी सारी बात उन्हें बताई तो मेरी पूरी बात सुनने के बाद मौसा जी ने कहा, कौन से 5 बजे, मैं भी कल रात घर से लगभग 2:30 बजे खेतों की तरफ से जा रहा था, क्योंकि गेहूं के खेतों में पानी छोड़ना पड़ता है, तभी मैंने तुमको रास्ते के किनारे बेहोश पड़ा देखा। तो तुम कैसे कह सकते हो कि 5 बजे गया था। मैंने उनसे कहा कि मौसा जी मैं सच बोल रहा हूं। उस वक्त अचानक से मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था और मैं ये सोचकर परेशान हो रहा था कि मैं इतनी जल्दी कैसे आ गया। इसके बाद जब मैंने ये सारी बात अपनी मौसी जी को बताई तो उन्होंने यही कहा कि तुमको क्या जरूरत थी इतनी ठंड में दौड़ने जाने के लिए। तब जाकर मैंने उन्हें बताया कि मुझे दौड़ने के लिए हमारे बगल में जो चाचा रहते हैं उन्होंने कहा था। उन्होंने कहा कि अगर मैं दौड़ने जाऊंगा तो आर्मी में जा सकता हूं।
ये बात सुनकर मौसी ठीक मुझे चाचा जी के घर ले गई। वहां जाकर पता चला कि उनके घर में एक फोटो टंगी थी जिसमें लिखा था 1968। इसका मतलब था कि दोस्तों चाचा जी मर चुके थे। ये सब देखकर मैं हैरान हो गया था, मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ गया था। दोस्तों यकीन मानिए, तब से आज का दिन है मैं मौसी के घर जाने के लिए कम ही तैयार होता हूँ, और अगर गया भी तो 2 या 3 दिन से ज्यादा नहीं रुकता, ज्यादा नहीं रुकता, ज्यादा नहीं रुकता। दोस्तों इस कहानी में कितनी सच्चाई है ये तो मैं नहीं कह सकता, हाँ लेकिन एक छोटा सा किस्सा है जो कि इससे थोड़ा बहुत मैच खाता है। ये बात दरअसल हमारे आसपास की है। एक लड़के ने मुझे बताया था कि जिस घर में एक आदमी की कई साल पहले मौत हो चुकी थी, उसने उसे उनकी सीढ़ियों पर बैठे देखा था। ऐसा उसने एक ही बार देखा था। हालांकि इससे उसे कोई नुकसान तो नहीं हुआ, बस उसका कहना है कि उसने देखा था। इसी के साथ दोस्तों चलते अपनी तीसरी कहानी की तरफ। दोस्तों मेरा नाम अंकुश है, आज मैं आपको अपने दोस्त के साथ घटी एक घटना के बारे में बताना चाहता हूँ। ये घटना मेरे दोस्त के साथ होली से पहले घटी हुई थी। एक दिन की बात है, मैं और मेरा दोस्त जिसका नाम देवाशीष है, हमने प्लान बनाया कि हम अपने पुराने दोस्त से मिलने जाते हैं, क्योंकि उससे मिले काफ़ी वक्त बीत चुका था। हम दोनों शाम के वक्त अपने दोस्त के घर गए थे। वहाँ अपने दोस्त से मिलकर हमें बहुत अच्छा महसूस हुआ। हम लोगों ने छोटी सी पार्टी की, खाना खाया, खूब इंजॉय कर रहे थे, आपस में बातें कर ही रहे थे। इन्हीं सब में वक्त का पता ही नहीं चला। तभी अचानक से मेरे दोस्त की फ़ोन की रिंग बजी। उसने फ़ोन देखा तो कॉल उसके घर से था जो कि लगातार आते जा रहा था। इसके बाद उसने फ़ोन उठाकर अपने घर पर बात करी। बात करते करते उसने घड़ी की तरफ भी देखा तो लगभग 11 बज चुके थे। दोस्तों ऐसा होता है जब आप लोग भी कभी किसी दोस्त के साथ जाते होंगे तो आपको भी वक्त का पता नहीं चलता होगा। ऐसे में हमारे घर वाले फोन करने लगते हैं, क्योंकि चिंता तो सभी के घर वालों को होती है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इनका वक्त देखने के बाद देवाशीष ने मुझसे कहा कि चल भाई, काफ़ी रात हो गई है, अब घर चलते हैं, घर वाले भी चिंता कर रहे हैं। मैंने देवाशीष से कहा कि भाई तुम चले जाओ, मैं थोड़ी देर रुक कर आऊँगा। ऐसे ही बातें करते करते लगभग 11:30 हो चुके थे। उसके बाद मेरा दोस्त अपने घर के लिए वहाँ से निकल गया। वैसे उसके पास उसकी बाइक थी, वो उसी पर घर के लिए निकल गया था। थोड़ी दूर जाने के बाद मेरे दोस्त ने सोचा कि काफ़ी लेट हो गई है, क्यों ना शॉर्टकट वाली रोड से जाऊं, इससे मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। लेकिन दोस्तों वो ये नहीं जानता था कि उस शॉर्टकट वाली रोड पर उसके लिए खतरा भी है। लेकिन इन सब के बारे में कोई नहीं सोचता। तो ठीक, मेरा दोस्त उस शॉर्टकट वाली रोड की तरफ से निकल गया जो कि काफ़ी सुनसान थी। उस रोड पर उस वक्त मेरे दोस्त के अलावा और कोई नहीं था। स्ट्रीट लाइट भी ज़्यादा नहीं थी, बाइक की लाइट से ही रोड दिख रही थी। फिर भी मेरा दोस्त चलते जा रहा था कि तभी अचानक उसके कानों में एक आवाज़ सुनाई पड़ी। वो आवाज़ कुछ इस तरह की थी जो कि उससे कह रही थी कि देवाशीष मुझे लेकर नहीं जाओगे। उसने ये सुनकर बाइक रोक दी। दोस्तों अब आप समझ ही सकते हो कि सुनसान रोड और ऊपर से रात के 11:45 का वक्त, रोड पर किसी का ना होना, ऐसी जगहों पर अकेले में ऐसी आवाज़ सुनने के बाद उस व्यक्ति की क्या हालत होती होगी, ठीक इसी तरह देवाशीष की हो रही थी। वो उस आवाज़ को सुनकर काफ़ी डर गया था, क्योंकि उसने सोचा कि यहाँ तो कोई भी नहीं है और जो आवाज़ उसने सुनी है वो किसी औरत की है, और वो उसका नाम कैसे जानती है। यही सब सोचकर उसने पीछे मुड़कर देखा कि आखिर देख तो लूँ कि मुझे आवाज़ कौन लगा रहा था। यकीन मानिए, जैसे ही वो पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि पीछे एक लंबी चौड़ी औरत खड़ी थी जिसके घने लंबे काले बाल थे। उसने अपना मुंह छिपा रखा था क्योंकि उसके बाल ठीक उसके मुंह के सामने फैले हुए थे,
उसने सफेद रंग की साड़ी पहनी थी और उसके पैर भी आम लोगों की तरह आगे ना होकर पीछे को थे, जैसे किसी चुड़ैल के होते हैं। वो ये सब देखकर समझ चुका था कि उसके पीछे चुड़ैल पड़ गई थी। वो काफी ज्यादा डर गया था, हाथ पैर सुन्न पड़ गए थे। वो चिल्लाना चाहता था पर गले से आवाज नहीं निकल रही थी। इसी बीच वो बाइक स्टार्ट करता तो बाइक भी वहां पर बंद पड़ गई थी। डर के मारे उसने मन ही मन हनुमान जी का ध्यान किया। वो लगातार जप कर ही रहा था कि वो चुड़ैल अचानक उसके पास ही आ गई। लेकिन मेरे दोस्त ने और जोर जोर से हनुमान जी के मंत्र का जाप किया। उस वक्त वो हाथ जोड़कर हनुमान जी को बुलाने की कोशिश कर रहा था कि तभी अचानक से उसके मुंह पर टॉर्च की रोशनी पड़ी। उस रोशनी के जरिए उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि ठीक उसी रास्ते से दो आदमी गुजर रहे थे। उन्होंने देवाशीष से बोला कि बेटा, ये रास्ता तो हम लोग इमरजेंसी में यूज करते हैं, वो भी दिन के समय। तुम इतनी रात को इस रास्ते पर क्यों आए? यकीन मानिए, उनकी बात सुनकर देवाशीष कुछ बोल ही नहीं पाया क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। वैसे उसके पास कई सवाल थे लेकिन इस वक्त उनका जवाब वो नहीं चाहता था। देवाशीष चुपचाप खड़ा था तो ठीक उस आदमी ने कहा कि चलो हमारे साथ, हम तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देते हैं। इसके बाद उन लोगों की मदद से देवाशीष अपने घर ठीक ठाक पहुंच गया था। दोस्तों, देवाशीष तो घर पहुंच गया था लेकिन एक सवाल तो मेरे मन में भी है कि जैसा उस आदमी ने बताया कि इस जगह पर रात के समय कोई नहीं आता, हालांकि वो रास्ता लोग दिन में यूज करते हैं, तो वो दोनों वहां क्या कर रहे थे? आप इसे देवाशीष की किस्मत समझिए या उसके कुछ अच्छे कर्म, लेकिन इस कहानी से हमें ये सीखना चाहिए कि हमें कभी भी ज्यादा देर रात बाहर नहीं घूमना चाहिए, और वो भी अकेले। और यदि आप अकेले हैं तो ऐसी सुनसान वाली जगह से ना जाएं, चाहे वो रास्ता शॉर्टकट ही क्यों ना हो। वैसे आपका क्या कहना है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी चलते हैं हम अपनी चौथी कहानी की तरफ। मेरा नाम हिमांशु गिरी गोसाई है। आज मैं आपको पिशाचिनी के बारे में बताना चाहता हूँ। वैसे तो आपने भूत प्रेत की कहानियाँ सुनी होगी लेकिन मैंने पिशाचिनी के बारे में भी बहुत बार सुना हुआ है। दोस्तों, बात यह है कि जब मैं पिशाचिनी के बारे में सुनता रहता था तो मुझे भी पिशाचिनी की साधना करने का मन हुआ। तो मैंने सोचा कि मैं भी पिशाचिनी के बारे में खुद से कुछ जानूंगा। इसी के चलते मैंने अपना लैपटॉप खोला और उसमें इंटरनेट द्वारा पिशाचिनी की साधना सर्च किया, और जैसा जैसा मुझे दिख रहा था वैसा वैसा मैं उस मंत्र का उच्चारण करने लगा। उसमें जो भी क्रियाएं लिखी थी मैंने उसे पूरा दिन की, और अब रात हो गई थी। मैं अपने रूम में खाना खाकर सोने चला गया था, तभी अचानक से मुझे प्यास लगने लगी। इधर उधर देखने लगा कि पानी का जग रखा होगा, क्योंकि मैं हर रोज रात को अपने कमरे में जग रखता था, लेकिन शायद उस रात मैं भूल गया था। मैं उठा और अपने किचन की तरफ पानी लेने जा रहा था। उसी वक्त मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ, जैसे कोई मेरे साथ साथ चल रहा हो। मुझे पैरों की आहट सुनाई दे रही थी। उस वक्त मैंने सोचा कि शायद ये मेरा वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, मैं शायद ज़्यादा ही सोच रहा था। पानी का जग लेकर वापस कमरे में आ गया था। इसके बाद मैं बिस्तर पर लेट गया और मुझे नींद आ गई। यकीन मानिए, पूरी रात मेरी ठीक से गुजर गई थी। धीरे धीरे सुबह हो गई। सुबह होते ही मैं उठा और कुछ देर बाद मैंने फिर से साधना शुरू कर दी। लेकिन दोस्तों, इस बार जब रात हुई और उसके बाद जो मेरे साथ हुआ, या आज भी उस बारे में सोचकर मेरी रूह कांप जाती है। जैसे ही रात हुई मैं हमेशा की तरह अपने कमरे में सोने के लिए चला गया था, और मैं आराम से बिस्तर पर लेटा, मेरी आंख लग गई कि तभी मुझे सपना आया। और मैंने सपने में देखा कि एक औरत जो दिखने में काफ़ी डरावनी सी थी, उसके लंबे काले नाखून थे, चेहरा काफ़ी भयानक सा था, ऐसा लग रहा था मानो जैसे चेहरे को जलाया हुआ हो।
वो ठीक धीरे धीरे मेरी तरफ आ रही थी और कह रही थी कि मेरे पास आओ, मैं प्यासी हूं, मैं तुम्हारा खून पीकर अपनी प्यास बुझाऊंगी और तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी। ये सब सुनकर मैं काफी डर गया था। मैंने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की लेकिन आंखें खोल नहीं रही थी। दूसरी ओर उसे देखकर मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही थी क्योंकि वो ठीक मेरे सामने आ गई थी। उसने मुझे कुछ जादू सा करके हवा में लटका दिया था और अचानक मुझे जमीन पर गिरा दिया। ये सब करने के बाद वो खुद दीवार पर चिपक कर मेरी तरफ देख रही थी और जोर जोर से हंस रही थी। मैं जमीन पर पड़ा हुआ था, चिल्लाना चाह रहा था पर आवाज मानो जैसे थी ही नहीं। उसके बाद वो मेरे सामने आ गई और उसने मुझे पकड़ लिया था। उसने धीरे धीरे मेरी गर्दन पर अपने दांत गड़ा दिए। उसके दांतों पर मेरा खून लगा था। उसने दोबारा उसी जगह पर अपने वो नुकीले दांत फिर से गड़ा दिए। मेरा खून बह रहा था। वो धीरे धीरे मेरा खून पी रही थी। मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरी आंखें बंद हो रही थी। इसके बाद मैं बेहोश हो गया और फिर जब मेरी आंखें खुली तो मैंने खुद को अजीब सी हालत में पाया। मैं कमरे में जमीन पर पड़ा हुआ था और मेरा कमरा बुरी तरह से फैला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मेरे कमरे में आया था और जहां मैं पड़ा हुआ था उसके आसपास की जमीन खून से सनी हुई थी। फिर मैं अचानक उठा और मैंने शीशे में खुद को देखा तो मेरी नज़रें मेरी गर्दन पर पड़ी। मेरी गर्दन पर दांतों के निशान मौजूद थे लेकिन मैंने अपने नाखूनों की तरफ देखा तो उनमें से भी खून बह रहा था। फिर मैंने अपने कमरे की दीवार की तरफ देखा तो दीवार पर खुरचने के निशान थे। तब मुझे याद आया कि मैंने ही रात को दीवार खुरची थी जिसकी वजह से मेरे नाखूनों का ये हाल हो गया था। ये सब देखकर मैं सुन्न पड़ गया था। मैं ये सब किसी को भी नहीं बता पा रहा था क्योंकि इन बातों पर लोग जल्दी भरोसा नहीं करते। बस मैं इतना ही कहूँगा, जिस पर गुजरती है ये सब उसे ही पता होता है। दोस्तों यकीन मानिए, ये सिलसिला कुछ रातों तक चलता रहा। फिर एक दिन मैंने हनुमान जी की पूजा की थी, उनका पाठ किया था, तब जाकर कहीं भगवान जी की कृपा से मुझे उस पिशाचिनी से छुटकारा मिला। उस दिन के बाद से ये सब ठीक चल रहा था। दोस्तों सच कहूँ तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी ऐसी साधना या भूत प्रेत को बुलाने की कोई विधि नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे या हमारे परिवार के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। तो दोस्तों देखा आपने, बुरे काम का अंजाम बुरा ही होता है। इस कहानी को लेकर आपका क्या कहना है नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल चलते हैं हम अपनी पांचवी कहानी की तरफ। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ जो कि मेरे मामा जी के साथ हुई थी। दोस्तों वैसे तो आप सभी ने भूत प्रेतों की कहानियाँ बहुत बार सुनी होंगी पर मैं आज जो आपको बताने जा रहा हूँ उसे हवा कहते हैं, जो कभी भी किसी भी वक्त किसी पर भी आ सकती है। दोस्तों कुछ साल पहले की बात है, मेरे मामा जी की शादी थी तो जाहिर सी बात है मेरा जाना कितना ज़रूरी था। मैं अपने परिवार के साथ अपने नाना जी के गांव गया था। हम लोग हल्दी के एक दिन पहले वहां पहुंचे थे। वहां पहुंचकर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, सब लोगों से धीरे धीरे मुलाकात भी हो रही थी। माफ़ कीजिएगा, कहानी बताते बताते मैं अपना नाम बताना भूल गया, मेरा नाम तौसीफ है। वैसे दोस्तों आप लोगों को तो पता ही है कि शादी के माहौल में कितना मज़ा आता है, उसी तरह मुझे भी काफ़ी मज़ा आ रहा था। उसी के अगले दिन मामा जी को हल्दी लगने वाली थी। दोस्तों कहा जाता है कि जिसकी शादी हो रही हो और जहां से उसको हल्दी लग जाए उसके बाद से वो कहीं भी जा नहीं सकता जब तक शादी ना हो जाए, पर इस बात पर कम ही लोग विश्वास कर पाते हैं क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि सब कुछ अंधविश्वास है, पर यह बात कहीं ना कहीं सच भी है। यकीन मानिए, जिस दिन मेरे मामा जी को हल्दी लगी थी वो उसी दिन शाम के वक्त खेतों की तरफ चल दिए थे। वहाँ पर मेरे नाना जी के बड़े बड़े खेत थे, वहाँ पर हमारे भैंसे भी थे। मामा जी उनको वहाँ पर चारा पानी देने गए थे और वो भैंसों को पानी भी दे रहे थे। तो ठीक वहीं पर थोड़ी दूर शमशान भी पड़ता था जो उस खेत के बिल्कुल सामने से दिखाई देता था।
उसी वक्त मेरे मामा की नज़र शमशान पर पड़ी। वहां पर चार लाशें जल रही थी। मामा जी ये सब देखकर चौंक गए कि अभी तक तो वहां पर कोई नहीं था, फिर अचानक से ये चार चिताएं कैसे जल रही थी। इसके बाद वो वहां से जल्दी से घर आ गए। दोस्तों वो घर तो आए मगर वो कहां जानते थे कि उनके साथ साथ कोई हवा भी घर आ गई थी। वो हवा की वजह से वो आज भी डर जाते हैं। उस हवा के जरिए उन चारों लाशों की आत्माएं आ गई थी जो मेरे मामा जी का गला दबाती थी। उनको ऐसा महसूस होता था जैसे उनकी सांसें रुकी हो। एक दिन वो नदी समझकर किसी बिजली की तार पर कूदने जा रहे थे, बस वो गिरने ही वाले थे। वो तो अच्छा था कि मैं वहां पर था, तो ठीक मैंने उन्हें जोर से पकड़ लिया था। उनकी इस हरकत ने पूरे घर को दहला दिया था। बात जब ज्यादा बढ़ गई तब जाकर उन्हें किसी बाबा को दिखाया गया। इसके बाद उन्होंने पूरे 21 दिन तक घर पर ही रहने का निश्चय लिया, जिसके जरिए धीरे धीरे वो ठीक हो गए। दोस्तों साथ ही इस कहानी के जरिए मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूँ कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं हमें उन पर अमल करना चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसे शुभ कामों में ही उल्टे विघ्न हो जाते हैं। और अगर आपको ये बात झूठी लगती है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। आइए दोस्तों चलते अपनी छठी कहानी की तरफ। दोस्तों मेरा नाम सदाब है और मैं कोलकाता का रहने वाला हूँ। मेरा एक दोस्त भी है, हम दोनों एक ही बिल्डिंग के फ्लैट्स में रहते थे। वो मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त था। हम लोग साथ ही बाहर साइकिल चलाने जाया करते थे। दोस्तों एक दिन हमारी बिल्डिंग में रात का वक्त था, उस वक्त लाइट चली गई थी और मैं और मेरा दोस्त हम एक साथ बैठे थे। हम आपस में बातचीत कर रहे थे कि तभी हमने सोचा कि साइकिल चलाने चलते हैं। मेरे दोस्त ने कहा कि हाँ चलते हैं, तब तक लाइट भी आ जाएगी। फिर हम दोनों साइकिल लेकर निकल गए घर वालों को बिना बताए। दोस्तों अब वो पल आने ही वाला था जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं था। हम लोग साइकिल चलाते चलाते कुछ ही दूर निकले थे कि तभी हम क्या देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा हमारी साइकिल के आगे आगे चल रहा था। हम दोनों ने साइकिल की घंटी बजाई ताकि वो रास्ते से साइड हो जाए, लेकिन उसे हमारी घंटी की आवाज़ सुनाई ही नहीं दे रही थी। लेकिन हमने फिर जोर जोर से घंटी बजाई, पर इस बार भी वो बस चलते ही जा रहा था। उसको जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। उसके बाद हम दोनों साइकिल से उतर गए और हमने उससे कहा, अरे छोटू रास्ते से साइड हो जाओ। हम लोगों के इतना बोलते ही वो बच्चा एकदम से गायब हो गया। ये देखकर हम दोनों हैरान हो गए कि आखिर वो बच्चा कहाँ गायब हो गया। दोस्तों हमारे मन में कहीं ना कहीं डर ने घर कर लिया था। हम लोग जल्दी से साइकिल में बैठ गए। हमने सोचा अब और आगे जाना ठीक नहीं, यहीं से घर की तरफ वापस चलते हैं। बैठने के बाद हमने साइकिल चलाना शुरू किया था तो मेरी साइकिल को अचानक धक्का सा लगा था, जैसे पीछे से किसी ने धक्का दिया हो, जिसके कारण मैं अपने दोस्त की साइकिल से टकरा गया। ठीक उसी वक्त मैं और मेरा दोस्त नीचे गिर गए। मेरे हाथ पर चोट लग गई थी, साथ ही खून भी बह रहा था क्योंकि मेरे हाथ पर कोई नुकीली चीज चुभी थी। लेकिन मेरा दोस्त ठीक था। फिर मेरे दोस्त ने मुझे उठाया और हम काफ़ी डर भी चुके थे। हम तुरंत साइकिल पर बैठे और इस बार हमने साइकिल की स्पीड तेज कर दी। चलते चलते जैसे ही हम थोड़ा आगे निकले तो हमने पीछे मुड़कर देखा तो हमने देखा कि वही बच्चा हमारे पीछे पीछे भाग रहा था। हमारा ध्यान लगातार उसी पर था जिसकी वजह से हम लोग एक बाइक सवार से टकरा गए और ठीक रास्ते के किनारे जाकर गिर गए। इस बार हम दोनों को ही चोटें लग गई थी। मेरा दोस्त जोर जोर से लोगों को आवाज़ देने लगा, पर यकीन मानिए वहाँ पर कोई नहीं था। फिर मैं अल्लाह को पुकारने लगा। ये सब देख वो बाइक वाला भी अचानक वहाँ से निकल गया। तभी मैंने देखा कि एक आदमी हमारी तरफ आ रहा था। यकीन मानिए अचानक से वो बच्चा भी कहीं गायब हो गया। और जब वो आदमी हमारे पास आया तो हमसे पूछने लगा कि तुम दोनों इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो, इस वक्त रात के 12 बज रहे हैं, तुमको अपने घर पर होना चाहिए था। लेकिन मैंने डरते डरते उस आदमी को अपनी आपबीती बताई तो उसने कहा कि तुम लोगों को मैं घर छोड़ने चलता हूँ। फिर उस आदमी ने हमें हमारे घर तक छोड़ा और उसके बाद वो भी चले गए। दूसरी तरफ हमारे घर वाले भी
काफी परेशान हो रहे थे। हम दोनों ने अपने अपने घर वालों को सारी बात बताई और अपने घर वालों से माफी भी मांगी कि आगे से कभी भी रात को बाहर नहीं जाएंगे। दोस्तों यकीन मानिए, वो आदमी हमारे लिए अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता था जिसके आने के बाद हमारी जान बच पाई। अगर वो आदमी नहीं होता तो पता नहीं उस रात हमारे साथ क्या होता, ये बात कोई नहीं जानता था। इसीलिए दोस्तों आप कभी भी कहीं भी जाएं तो अपने परिवार वालों को बताकर ही जाएं, नहीं तो आप भी किसी भी मुसीबत में पड़ सकते हैं। आइए दोस्तों चलते हैं अब हमारी आज की आखिरी कहानी की तरफ। मेरा नाम वीर है और आज जो कहानी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो मेरे साथ ही घटी है, जिसे सोचकर मैं आज भी डर जाता हूँ। दोस्तों ये बात 2019 की है, फरवरी का महीना था, जिस महीने हल्की हल्की ठंड होती है। उसी महीने मेरे ताऊजी के बेटे की शादी थी और मेरा घर भी उन्हीं के घर के आसपास ही था। मैं और मेरा परिवार उन्हीं के घर में ज़्यादा समय बिताते थे ताकि हमारे भैया की शादी खूब धूमधाम से हो सके, जिससे कि सारे लोग देखते रह जाएं। हम दिन भर उनकी शादी की तैयारियों में लगे रहते थे, जैसे कि डेकोरेशन का काम करवाना और रिश्तेदारों को खाना खिलाना, उनका ध्यान रखना और भी बहुत सारे कामों में लगे रहते थे। दोस्तों ऐसा आप लोगों के साथ भी होता होगा, अगर आपने भी ऐसा किया है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों मेरे ताऊजी का छोटा लड़का भी था जिसका नाम अखिल है और वो मुझसे सिर्फ 1 साल ही छोटा था। हम दोनों भाई के साथ साथ पक्के दोस्त भी थे, हम दोनों मिलकर काम भी कर रहे थे। अब आखिरकार वो दिन आ ही गया था जिसका हमें बड़े दिनों से इंतज़ार था। वो दिन मेरी भैया की शादी का था, सब धीरे धीरे तैयार हो रहे थे। ये सब देखकर मैं और मेरा छोटा भाई हम दोनों भी तैयार होने चले गए और जब हम तैयार होकर आए तो सब रिश्तेदार हम दोनों की तारीफ करने लगे, कहने लगे कि तुम दोनों दूल्हे की तरह लग रहे हो, तुम दोनों को किसी की नज़र ना लगे। इसके बाद हम दोनों काम में लग गए थे और ऐसे माहौल में खाने पीने का भी टाइम नहीं मिलता, उसी तरह हमें भी काम के चक्कर में खाने का वक्त ही नहीं मिला। लेकिन पूरे दिन भर की थकान के कारण हमें रात को बहुत भूख लग रही थी, पर खाना शुरू होने में थोड़ा समय था। तब हमने सोचा कि भूख तो लग ही रही है, क्यों ना बाहर चलकर थोड़े बहुत चिप्स खा लेते हैं, उसके बाद आकर खाना खा लेंगे। बाहर पास ही में एक दुकान थी, वहां से हमने चिप्स ले लिए थे। वैसे दोस्तों बता दूं कि हमारे घर के पास एक यमुना नदी पड़ती है। हम दोनों चिप्स खाते खाते बातें करते हुए यमुना नदी की तरफ चले गए थे। वहां पहुंचकर हमें काफ़ी सुकून मिलता था क्योंकि वहां पर सबसे ज़्यादा शांति होती थी। उस वक्त वहां पर सर्दी भी हो रही थी, हमने वहीं बैठकर आराम से चिप्स खाए और हम वापस घर की तरफ जाने लगे। थोड़ी दूर पर हमारी बाइक खड़ी थी, हम उसकी तरफ चल ही रहे थे कि इतने में ही मेरे छोटे भाई को एक लड़की दिखती है जो कि शादी के जोड़े में थी और उसके साथ एक लड़का भी था। उसने मुझसे ये बात बताई तो मैंने कहा छोड़ रहने दे, वो लोग भी हमारी तरह टहलने आए होंगे। मैंने उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, मैंने अपने भाई को बाइक पर बैठने को कहा। मैं बाइक चलाने ही वाला था कि मेरे भाई ने कहा कि वो लड़का और लड़की हमारे पास आ रहे हैं, शायद उन्हें हमसे कोई मदद चाहिए। तब मैंने थोड़े गुस्से वाले अंदाज में कहा कि अब पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने जल्दी से बाइक शुरू कर दी थी और अब हम वहाँ से निकल रहे थे कि तभी मैंने बाइक के शीशे में देखा कि वो दोनों अब भी वहीं पर थे। मेरे देखने के कुछ मिनटों के बाद वो दोनों आपस में अजीब तरह से हंस रहे थे और हंसते हंसते वहाँ से गायब हो गए। मेरा दिल उस वक्त बहुत तेज़ी से धड़कने लगा था, ऐसा लग रहा था मानो दिल नहीं बल्कि ट्रेन हो। मैंने तुरंत बाइक की स्पीड तेज की और हम जैसे तैसे घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही सब लोगों ने हमसे पूछा कि तुम दोनों कहाँ चले गए थे, इतनी ज़्यादा लेट कैसे हो गए। हमने परिवार वालों को बस इतना ही बताया कि हम बाहर चिप्स लेने गए थे और वहाँ पर हमें एक पुराना दोस्त मिल गया था, उसी से बातें करने में समय का पता नहीं चला। घर वालों ने हमें कुछ नहीं कहा, लेकिन सबसे बड़ा शुक्र तो भगवान का है कि उस रात हम बच गए थे। दोस्तों अब मैं आपको उस जोड़े के बारे में बताना चाहता हूँ
जिन्हें हमने यमुना नदी पर टहलते हुए देखा था। दरअसल दोस्तों ये बात उन दिनों की है जब वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन दुख की बात तो यह थी कि हमारे समाज वाले ऐसे रिश्तों को अपनाते नहीं जहां पर जाति की बात आती हो, क्योंकि हमारा समाज जब ऐसे भेदभाव करता है तो ऐसे में दो जिंदगियों को मौत को गले लगाना पड़ता है। इसी तरह इन दोनों का प्यार भी सच्चा था। उन्होंने सोचा था कि हम जिएंगे तो साथ में और मरेंगे वो भी साथ में। एक दिन उन दोनों ने आपस में फैसला कर लिया कि हम अपने बारे में अपने अपने घर वालों को बता देंगे। जब लड़की ने अपने घर में बताया कि वो जिससे प्यार करती है वो लड़का मुस्लिम है, और लड़के ने बताया कि वो जिससे प्यार करता है वो लड़की हिंदू है, ये सुनने के बाद उनके घर वालों ने मना कर दिया था। काफ़ी मनाने के बाद भी वो लोग नहीं माने। फिर वो दोनों उस नदी के पास मिलने आए थे तो उन लोगों ने सोचा कि हम जीते जी तो साथ नहीं हो पाएंगे, अगर हम साथ में मर जाएं तो मर के साथ रहेंगे। इसके बाद उन दोनों ने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी थी, इसीलिए उन लोगों की आत्मा अब वहां पर भटकती रहती है। दोस्तों ठीक, मैंने ये बात अपने छोटे भाई को नहीं बताई थी और ना ही उसे पता थी। उस रात वो उन दोनों को देखकर डरे ना, इसीलिए मैंने उसको कहा कि वो भी टहलने आए होंगे। मैं सब कुछ जानता था, तभी मैं बार बार उसे पीछे मुड़कर देखने के लिए मना कर रहा था, क्योंकि मैंने कई बार बड़ों के मुंह से सुना था कि पीछे मुड़कर देखने का मतलब है उस आत्मा को बुलाने का इशारा करना, जिसके जरिए वो आत्मा हमारे पीछे आ जाती है। वो तो शुक्र था ऊपर वाले का कि इसके आगे हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद मैंने ये बात अपने छोटे भाई को बताई। यकीन मानिए वो डर के मारे कांपने लगा। दोस्तों उसका कांपना तो ठीक है, लेकिन आपको आज की ये कहानियाँ कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपको तो पता ही है मैं आपका कमेंट में हमेशा इंतज़ार करता हूँ। और बात रही कहानियों की, वो तो लगातार आती ही रहेंगी। मिलता हूँ आपको जल्द ही नई कहानियों में, तब तक के लिए बाय बाय।